DANJ एंटरटेनमेंट ने पूरे किए 4 साल। DANJ ग्रुप ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली के सूर्य होटल में एक शानदार पार्टी आयोजित की, जिसमें दिल्ली के नामी गिनामी बिजनेसमैन और सोशलिस्ट पहुंचे। इस मौके पर DANJ एंटरटेनमेंट की बिजनेस हेड अनामिका बेन ने केक काटकर पार्टी की शुरुआत की। इस पार्टी को खास बनाने के लिए एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट और बॉलीवुड स्टार एजान खान भी पहुंचे। DANJ पिछले 4 सालों से लगातार फैशन कैलेंडर जारी कर रहा है, जिसकी शूट इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है। DANJ ग्रुप जल्द ही कुछ नए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी अनाउंस करने जा रहा है। डांज एंटरटेनमेंट की 4th एनिवर्सरी है एंड चीयर्स टू 4 रॉकिंग ईयर्स ऑफ आवर कंपनी। एंड ये बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन है फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड यू नो whoever is interested and whoever want to be connected to us in future, बस उन्हीं के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है। और खुशियों बांटने के लिए तो बहाने चाहिए, सो एक बहाना ही समझिए। बहुत सारे गेस्ट हैं, दिल्ली के सबसे अच्छा क्रीम क्राउड है, सारे बिजनेसमैन फैशन फ्रेटर्निटी के बेस्ट पीपल हैं यहाँ पे, डिज़ाइनर फोटोग्राफर्स और कोरियोग्राफर्स मॉडल्स एवरीबडी इज़ हियर। बट उन सब के अलावा यहाँ पे हमारे साथ सब चीज़ें स्पेशल बनाने के लिए मिस्टर एजाज खान भी हैं, जिनको आपने बिग बॉस में एक नंबर करते देखा ही है, सो वो है यहाँ पे। सो आई थिंक यू नो हमारा इवेंट भी एक नंबर होगा। तो सेम है, नामिका जी ने बताया कि नए लोगों को चांस देने के लिए, जिनके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, इंटरनेशनल गेटवे नहीं है, बेसिक फोकस हमारा इंटरनेशनल गेटवे की तरफ है, इंडिया को पूरा इंटरनेशनली डेवलप करना, बस यही मेन पर्पस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे क्या योजना है? आगे वो तो सेम तो रहेगा ही, कैलेंडर जब टाइम आएगा, जो उसका उसमें टाइम है अभी, मेन टाइम अभी कुछ यूरोप के प्रोजेक्ट हमारे अनाउंस करेंगे हम, और कुछ एक साउथ अमेरिका कुछ शूट्स के प्लान है जो है अच्छे ब्रांड्स के लिए, इंटरनेशनल ब्रांड के लिए। डांस का आगे क्या फ्यूचर है? फ्यूचर मेरा जो डांस को सेट करना मतलब यही है कि इंडिया को एक अलग नया पहचान मिले पूरा का पूरा। बाहर से बहुत सारी मॉडल आती हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इंडिया को भी ऐसे बाहर सेम होना चाहिए पूरा का पूरा। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत डिमांड है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, पर एक प्रॉपर चीज़ नहीं है कुछ सेट करने की, तो कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आई जस्ट से दैट डांस जो नाम है उसके अंदर मुझे फिरोज खान साहब नज़र आते हैं ना। फिरोज खान साहब एक इंडस्ट्री के बहुत ही स्टाइलिश ब्यूटी के एडमायर थे, और डांस भी ब्यूटी का एडमायर है, और ब्यूटी एडमायर करना इज़ गुड थिंग। प्लीज़ कम नो, एंड ये दिलदार आदमी है, एंड जो कैलेंडर शूट करते हैं, जो हर हिंदुस्तान के कोने कोने से ब्यूटी को चूज़ करके उनको आगे बढ़ने का चांस देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। इज लाइक अ हीरो, लड़कियां बहुत प्यार करती हैं इनसे। क्या राज है भाई, वो क्या राज है इनकी, ये स्वीट स्माइल के पीछे, वो है ना, बोले मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन मैं हूँ बड़ा हरामी टाइप का। अगर 2017 की कैलेंडर की लॉन्चिंग जब हो रही, क्या एक पेज आप भी इनसे मांगेंगे कि इसमें आपकी फोटो मिल जाए और आपकी सूट मिल जाए? यार देखो, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और ना कहे किसी से। पठान मांगते नहीं है, हमारा भाई है, जब भी इनको हमारी ज़रूरत है हम इनके साथ खड़े हुए, और हमारे सारे बॉलीवुड की तरफ से इनको हम बधाई देते हैं, और वी विशिंग ऑल द लक टू डांस एंड सक्सेस, लव, पीस। दिल्ली से राकेश सोनी की खास रिपोर्ट।